सिलसिला सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर आज तक सूफिया और औलिया की जमात में जारी और सारी है। इन औलिया अल्लाह में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कुरूने उला के लोग हैं, जो सूफिया की जमात में साबिकून अल अव्वलून कहलाते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाम दाता गंज बख्श अली हजवेरी का है, हज़रत अबुल हसन सैयद उल अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल को तकरीबन 1000 साल होने को। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा सा गौर के साथ, ठंडे जहन के साथ समझा करें। इस्लाम की तारीख 1400 साल की है और 1000 साल पहले के दाता साहब बुजुर्ग हैं। दाता साहब फरमाते हैं, मैं उस ज़माने में मुरीद हुआ, मुझे इजाज़त हुई, मैंने अपने मुर्शद की खिदमत करी, फिर मुझे हुक्म हुआ, अपने कलम से लिखते हैं, फिर मैं लाहौर आया। अगर 1000 साल पहले से पीरी मुरीदी का, तरीकत का, तसव्वुफ़ का सिलसिला जारी है, आज लोग कहते हैं ये नई बात है, ये कल शुरू हुआ है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पर उनका उर्स शुरू हुआ, यानी उर्स भी 1000 साल से होते चले आ रहे हैं। आज बास लोगों को गलत फहमी होती है कि ये आज की कोई नई ईजाद है, और अगर 1000 साल पहले के लोग ज़रूरत महसूस करते थे कि हमें पहले किसी दरवेश की खिदमत करेंगे तो फिर हमें कुछ मिलेगा, तो हमारा तो ज़माना ही बड़ा अजीब है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं खुद कुरान जानता हूँ, हदीस जानता हूँ, मैं खुद बड़ा समझदार हूँ, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें गौर से देखना चाहिए। 1000 साल पहले दाता साहब, और फिर दाता साहब कहते हैं मेरा किसी आम घराने से ताल्लुक नहीं, मैं मदीने वाले महबूब की औलाद हूँ, सैयद हैं। इसके बावजूद एक जगह पे गए हैं, तरबियत ली है, फिर वो लाहौर तशरीफ लाए हैं, और दाता साहब फरमाते हैं कि मैं हिंदुस्तान के उस एरिया में आके बैठा हूँ जहाँ जिंदगी की सहूलियात भी पूरी मुयस्सर नहीं है मुझे। लाहौर 1000 साल पहले आप अगर उसका नक्शा देखें तो क्या नजर आएगा? जिन लोगों ने अभी 40 साल 35 साल पहले लाहौर को देखा है वो भी जानते हैं उसकी कैफियत क्या थी। तो 1000 साल पहले का लाहौर जहां दाता साहब तशरीफ लाए, दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने वहां बैठकर कुरान और सुन्नत की तशरीहात की, दाता साहब ने मस्जिद बनाई। अब चल लफ्ज दाता से भी बड़ा इख्तलाफ है लोगों को, हालांकि दाता का माना देने वाला, और अल्लाह के जो 99 नाम है ना, ये हमारी मस्जिद में भी लिखे हुए हैं, इन 99 नामों में से कोई नाम दाता है? बोलिए। ऐसे लोग कहते हैं जी ये तो अल्लाह का हिस्सा, भाई ये लफ्ज़ दाता तो वैसे ही अरबी का लफ्ज ही नहीं है। तो आप चीज़ों को घसीट घसाट के अगर लेके ना, कुरान मजीद में आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों को बख्श दे जो बचपन में मेरे रब बने, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, रब का माना पालने वाला। तो कुरान मजीद ने तो माँ बाप को रब कह दिया तो शिर्क हो गया, वहाँ अल्लाह रब और मानों में है, माँ बाप रब और मानों में है, यहाँ माना पालने वाले के है। माँ बाप औलाद को पालते हैं ना, असल पालने वाला कौन है? अल्लाह। तो अब किसी ने कहा कि अब्बा आपने मुझे पाला है तो काफिर हुआ कि मुसलमान हुआ? तो छोटी छोटी बातों में लोग तकसीम करते हैं अहले इस्लाम की, ये दुरुस्त नहीं है। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि उनके लिए दुआ करो इन लफ्ज़ों के साथ। तो दाता का माना उनका लकब है, ये मारूफ लकब है उनका, इसका माना देने वाला। तो भाई अगर आप मुझसे को 2-3 मसले सुन लेते हैं, मैं आपको दे देता हूँ तो शिर्क नहीं होता। मेरा उस्ताद अगर मुझे 2-4 बातें सिखाता है तो शिर्क नहीं होता। आपके और मेरे बुजुर्ग वालदैन हमें को 2-4 हज़ार दें, हम उनसे मांग लें तो शिर्क? तो ये इतनी ज़्यादा वो मामला नहीं है, आप इसको समझें। लोग उलझाव पैदा करते हैं, इस उलझाव से बचना चाहिए। हमसे बंदा मुसलमान तो होता कोई नहीं, लेकिन हर जुमे को 2-4 लाख को काफिर ज़रूर कर देते हैं। जाने कब मार दे कोई मुझे काफिर करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। तो इतना सस्ता ना करें इस चीज़ को, चीज़ों को समझें और गौर करें। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत की तशरीहात की। अब एक बात मैं कहने लगा हूँ, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक,
रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो बुजुर्ग नहीं है कि जिनकी तारीख दफन है, जिनका कोई पता नहीं कहां से आए, कहां गए, क्या थे, क्या करते थे, ये वो इस तरह के लोग नहीं है। इन लोगों का कलाम असल सूरत में आज भी दुनिया में मौजूद है। बाबा फरीद की तहरीरें मौजूद हैं, हजरत गौसे पाक की किताबें मौजूद हैं, दाता गंजबख्श अली हजवेरी की कशफुल महजूब शायद दुनिया की हर जुबान में मिलती है। अब मैं जो बात कहने लगा उस पर गौर करना, अगर कशफुल महजूब आप पढ़े ना सारी, तो सबसे पहले वहां मलंगों का दाखिला बंद होगा, कोई मलंग आपको नजर नहीं आएगा, चूंकि दाता साहब की तालीमात बिल्कुल इसके बरक्स है। फौरी तौर पर वहां औरतों का दाखिला बंद होगा, चूंकि दाता साहब की तालीमात इसके बिल्कुल बरक्स है। मेले ठेले ये सारी चीजें वहां बंद होंगी, ये कोई कहीं नहीं दाता साहब ने कहा कि पिंडी से पैदल आना बड़े बड़े झंडे उठा के और मेरे मजार पे हाजिरी देना, दाता साहब इसके मुखालिफ है। इसलिए कि वो कोई ऐसी चीज तो नहीं कि वो दफन है। दाता अली अजवेरी की तालीमात तो लिखी हुई है, किताब मौजूद है और हर चीज का उन्होंने बयान कर दिया उसके अंदर। इल्म से शुरू हुए हैं वो, इल्म, अमल, फकर। दाता साहब ने तो खाने के आदाब भी बयान किए, दाता साहब ने चलने के आदाब लिखे हैं कशफुल महजूब के, दाता साहब ने बोलने का शरीयत में क्या तरीका वो भी बयान फरमाया। दाता साहब ने तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कहें कि बाहर से लेके जानी पड़े। मसला तो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, एक आदमी उनकी कब्र से फूल उठाता है और वो किसी के गले में डालता है तो उसका भी उसे 400-500 रुपया नजर आना चाहिए। ये कहां लिखा है दाता साहब ने, किस किताब का हिस्सा है? उनके मजार को आप जिस मर्जी चीज से गुसल दें, और दाता साहब ने नहीं कहा था कि संदल लेके आना तो मेरी कब्र को गुसल देना, उन्होंने कहीं नहीं कहा। क्यों ज्यादती करते हैं मशायख के साथ? मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था, हम बड़ी लोगों की बातें सुनते हैं, मजारात पे लोग जाते थे तो नफा होता था, अब क्या बात हुई? अब उस तरह से हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती? तो आला हजरत फरमाने लगे, तुम बुजुर्गों के मजारों पे गैर शरी काम करते हो, अल्लाह वाले तुमसे नाराज हो गए, वो तो तुमसे नाराज है, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, वो तो नाराज है तुमसे। तुम वहां जाके जो कुछ करते हो वो उनको राजी करने वाला है कि नाराज करने वाला है? तो दाता साहब ने तालीम, सबसे पहले आपने असबाते इल्म का बाब बांधा है और आयत ये लिखी है पहले, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादहिल उलमा। आप फरमाते इल्म होगा तो बंदा अल्लाह से डरेगा। ले और बड़ी ये सख्त बात है पर दाता साहब ने लिखी है, मेरी मजबूरी है, तालीमाते दाता गंजबख्श मौजू है, ये बात करनी पड़ेगी। दाता साहब कहते हैं, जो बंदा बगैर इल्म के फकीरी का दावा कर जाए वो इसी तरह है जिस तरह कुएं के गिर्द बैल पानी निकालने के लिए घूम रहा होता है, वो चलता तो रहता है पर उसकी मंजिल कोई भी नहीं होती, वो घूमता तो रहता है पर उसे नतीजा कोई मिलता नहीं। फरमाते हैं वो उस बैल की तरह है कि घूमता तो रहेगा पर कोई मंजिल उसे मुयसर नहीं आएगी। अगर कोई मंजिल लेना चाहता है तो पहले अल्लाह की किताब पढ़े और मदीने वाले महबूब की हदीस याद करे, फिर उसे मंजिल नसीब होगी, वरना उसके लिए कोई रास्ता तायुन हो सकता। और दाता साहब ने फिर हदीस लिखी नबी करीम अलैहिस्सलाम की, फरमाते कुछ इल्म हासिल नहीं करते, कुछ इल्म लेते हैं पर उससे नफा नहीं लेते, पता होता है पर अमल नहीं करते। आपने हदीस लिखी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल इल्मि ला यनफउ, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो इल्म तो हो पर उससे नफा ना उठाया जा सके, जो इल्म तो हो पर उस पर अमल ना हो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म हमेशा इसलिए सीखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका नफा अता करे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप फरमाते हैं, जब इल्म सीख लो तो फिर ना अल्लाह रसूल से इश्क करना, फरमाते हैं फिर नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा, रोजे रखना आसान हो जाएगा, कुरान मजीद पढ़ना आसान, मोहब्बत करना। और आपने मिसाल दी, जहां भी को बात समझाते हैं एक मिसाल देते हैं, मिसाल दी, फरमाने लगे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था, समझाने के लिए बात करते हैं, आशिक हो गया था एक औरत पे, तो मैंने शाह की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी, चूंकि मैं मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था, तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कशफुल महजूब, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था,
सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया, और उसका इंतज़ार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़ल्ला चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई एक मिनट के लिए, और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने रश में भी और इतनी मजबूरी में भी एक मिनट के लिए छत पे आई है, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज उठी। मैंने कहा अब्दुल्लाह, अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि प्यार हो जाए। एक औरत के लिए अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकते हैं। फरमाते हैं मैंने तौबा कर ली, और फिर मेरा हाल ये है कि वो तौबा की, और फिर 60 साल गुजर गए, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता हूँ, मुझे कभी थकावट नहीं हुई। फिर कभी थकावट नहीं हुई। तो दाता साहब कहते हैं पहले इल्म सीख, फिर उसके बाद अल्लाह रसूल से प्यार कर, और प्यार वाली नमाज पढ़, मुशक्कत वाली ना पढ़, यानी बोझ वाली ना पढ़, क्या मेरी जान छूट जाए तो मैं भाग के जाऊं, तुम इधर बैठो तो मैं दौड़ के नमाज पढ़ के आया, ये वाली नमाज ना पढ़। फिर तू आया तो फिर शौक पैदा कर, फिर तेरे अंदर शौक हो, फिर तू तवानाई वाला जज्बा रखे दीन के मामले में। फिर दाता साहब एक तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, एक तीसरी बात दाता साहब करते हैं। दाता साहब कहते हैं कि ये याद रख के जो तुझे एजाज मिलेगा ना जिंदगी में, एजाज तुझे जो जिंदगी में मिलेगा, और कोई करामत अगर तुझे मिलेगी तो वो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत की वजह से मिलेगी। तू जितने मर्जी चिल्ले काट ले, वजीफे कर ले, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, जो मर्जी तू सीख ले, अगर तुझे कोई अल्लाह शान देगा तो सिर्फ इसलिए देगा कि तू नबी पाक के दीन पे अमल करता है। किसने लिखा है? अल्लाह करे आपको मैं याद करा सकूं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए और मेरी जमात समझने लग जाए कि दाता साहब कहते हैं सुन्नत शरीयत पे अमल करना चाहिए, और मैं कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा, इसको चला दे, कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा। कशफुल माजूब दुनिया की हर जुबान में उर्दू में मिलती है, आप लेके देख सकते हैं। दाता साहब फरमाते हैं एजाज जो तुम्हें मिलेगा ना, अगर शान चाहते हो, वो हमारे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई ऐसी चीज हाथ लगे, अलादीन का चिराग ऐसे घुसाया जाए और फौरी तौर पे पीर साहब ने कह दिया तो रेल पेल हो गई पैसों की, तो मैं कहता हूँ ये तो दीन का मिजाज ही नहीं, ये तो दीन की तबीयत है ही नहीं, ये तो जौक ही नहीं दीन का, ये तबीयत ही नहीं, मिजाज ही नहीं। मेरे अजीज दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो सुन्नत पे अमल कर, शरीयत पे अमल कर। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहा फत्तबियूनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तू नबी करीम की गुलामी करेगा ना तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तो और क्या चाहिए। दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है, ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी है, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका यह था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे, उस वक्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते। पहुंच गए, अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे, तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है।
कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए। मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूँ तो फिर मेहरबानी करे कबूल फरमा ले। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई। तो फरमाते लंबी तकरीर नहीं हल्का सा जुमला, फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्मा बरदारी में आ गई। अब फिर उसे बकरियां चलाने की जरूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। हजार साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं, कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गायें भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं। तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे, वजीस्तस का मूसा लिखाओ मही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात यह है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे कुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें, आप फरमाने लगे फिर दुआ, दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी, इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं फकर भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बंद है दाता साहब, फरमाते हैं फकीरी भूखे रहने का, और क्या बात है। कई दफा मैंने कशफुल माजूब पढ़ी, कई दफा पढ़ी अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती है। रात पढ़ी तो एक नई बात सामने आई, दाता साहब ने ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते हैं या अल्लाह मुझे पैसे ज्यादा दे। अल्लाह अकबर, अंदाज देखे दादा साहब ने लिखा, या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज्यादा दे, पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। अजीब दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत। अब दाता साहब ने लिखा है, नाराज होना हुआ तो दाता साहब से होना। दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं, मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते। ये दाता साहब ने लिखा है, नाराज होना तो उनसे होना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं दौलत है पर दौलत से प्यार, अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं पैसे थोड़े हैं पर अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है, फरमाते फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पर पैसे नहीं दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया, ये उनका दायरा नहीं था। चलें ये आगे बढ़ते हैं, पांचवी बात दाता गंज बख्श अली अजमेरी, पांचवी बात दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। मैंने आपको बड़ी दफा वो बात सुनाई और मुझे इस जुमले से इश्क है,
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे, कुतुबुद्दीन याद रख, फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है, इसे कपड़े ना लेके दे दूं, इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हजरत साहब को बंदा 500 दे ही जाए मेहरबानी करके। ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंजबख्श अलीजवेरी फरमाते हैं, अपनी जात पर कभी सवाल का दरवाजा ना खोलो। आप फरमाते मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे अपनी जात पर सवाल का दरवाजा। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5,000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाजा खुल जाता है तो फिर सारी जिंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिर ना, दुनियादारों से सवाल करना अपनी जात पर सवाल का। दाता साहब ने पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब। और दाता साहब फरमाते हैं, सूफिया की एक जमात है जो कहती है, हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब का कहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लाटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पड़ी है मैंने किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीज़ें लोग बयान करते हैं कि मैं वहाँ आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किसे सुनाया करते थे, सारी हमें चीज़ों का पता, पर जो अनवान है ना वो। हजरत शेख अबुल नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मज़ार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए, बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊँ, दिन आने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात, कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उनवान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना, अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते एक शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है, लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, पर माने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीने कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज्यारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा, दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं,
मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे, तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे, जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं, वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम? अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दादा साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है, इतना वक्त नहीं है, वरना कशफुल माजूब का तो एक एक सफ़ा उलटते जाएं तो क्या क्या चीज़ें खुलती चली जाती हैं। दाता साहब ने लिखा है, दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राजी हो जाए, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राजी नहीं सिर्फ जल्दी राजी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कशफुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे, तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है, सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टिंड देखी तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है, एक ने मजाक किया और बाकी हंसने लगे, फपतियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो दाता साहब के साथ मुरीद थे जलाल में, कहने लगे हुजूर बद दुआ करे इनके लिए, ऋण ना लाए कि ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं कब हुजूर कर दे। मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे, तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमा का, ऐ अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना इन्हें हमेशा हंसता ही रखना, अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर, ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया, दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे, कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है, वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे, शेख आपके खलीफा हैं। वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है, औरों को भी बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से मंदा मिल जाए तो उसे शीशे में ना उतार। हम लोग ना अब सामने वाले को शीशे में उतारने की कोशिश, और ना भाई अब दुनिया बड़ी तेज है, तू जिसको शीशे में उतारेगा ना वो भी तुझसे तेज है, वो तुझे शीशी में उतार लेगा, इसलिए मेहरबानी करें अब इन चक्रों से निकलें। वो किसी ने कहा था इमाम गजाली से कि मुखलिस दोस्त मुझे कैसा पता चलेगा कितने हैं? आप फरमाने लगे अपने दिल से पूछ, जितनों के साथ तू मुखलिस है उतने तेरे साथ भी मुखलिस हैं, और अगर तू दाव लगा रहा है दुनिया को तो फिर दुनिया तुझसे तेज है, फिर कोई किसी चक्कर में आने वाला, कोई किसी चक्कर में आने वाला बिल्कुल नहीं। इसलिए कोशिश करें हमेशा, एक हदीस पाक ना पढ़ दो, ये भी दाता साहब ने लिखी है, बहुत सारी किताबों में है पर दाता साहब ने भी लिखी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कसरत भोले भाले लोगों की होगी, जन्नत में कसरत भोले भाले लोग जन्नत में, वो जो आसमान पे तारा लगा भी आते हैं फिर शाम को दोबारा ले भी आते हैं, वो तेज बड़े हैं पर रह हमेशा पीछे जाते हैं, वो जो सादे हैं जो चक्रों में नहीं पड़ते,
अब यकीन करें, अब तो ना लोगों से मिलके कई दफ़ा घुटन होने लगती है, बाज़ लोगों से मुलाकात कर नहीं तबीयत लगती नहीं ज़्यादातर, इसलिए कि महसूस होता है कहानियाँ गाड़ रहे हैं, किस्सों की दुनिया के लोग, ये वो बाद में वजन नहीं, वो सुरूर नहीं। और बाज़ लोग आते हैं कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनके लबो लहजे में इतनी मिठास होती है कि दिल करता है कभी ये दोबारा भी आया करे, कभी फिर भी कभी आए, कभी फिर मिले। तो माशरे को हुसन दें, माशरे के अंदर कोफ्त ना पैदा करें। बात चूँकि वक्त थोड़ा रह गया, दाऊद अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से प्यार कर, अल्लाह तुझसे राजी होगा। आपने दलील के तौर पे बनी इसराइल का एक वाक्या लिखा, आप फरमाते हैं बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जो पहाड़ की चोटी पर इबादत करता था, लोग ऊपर चढ़ के मिलने के लिए आते थे, रस्ते में एक ढलान थी, लोग उस पर चढ़ते तो पाँव फिसल जाते, बहुत सारे लोग गिर जाते। एक दिन वो शख्स कहने लगा, अल्लाह अगर तू इसे ना बनाता तो क्या होता, ऐसे बेकार बना दी, रब नाराज हो गया। उस वक्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, से कहो तो मेरी तखलीक पे इतराज करता है, जा मैंने तेरा नाम वलियों की सफ से काट के नाफरमानों की सफ में लिख दिया। वो नबी उस उम्मत के अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आके उसे कहा कि रब करीम ने तेरा नाम काट के ना वलियों की लिस्ट से नाफरमानों की लिस्ट में लिखा है। कहने लगा हुजूर अल्लाह ने खुद लिखा है। हाँ, वो सजदे में गिर गए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो पैगंबर फरमाने लगे ये क्या कर रहे हो। अर्ज की हुजूर आपने कहा है ना अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, मैं कहाँ और मेरा रब कहाँ, उसने मेरा नाम लिया है। हुजूर मैं तो अपने आप को किसी खाते में नहीं समझता था। अच्छा, अगर मालिक ने अब मुझे नाफरमान फरमा दिया है और मेरी गलती से फरमाया है, दोजख में तो मैं जाऊंगा। हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, आपके जरिए की इल्तिजा है मालिक के हुजूर, रब करीम से अर्ज कीजिएगा कि अब मुझे दोजख में तो फेंकना ही है, तो मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि मैं अकेला जहन्नुम में आ जाऊं, मेरा दिल नहीं करता अल्लाह का कोई और बंदा दोजख में जाए, मैं चाहता हूं इतने प्यारे प्यारे मखलूक पैदा किए उसने, कोई जले ना, कोई दोजख में जले ना, मुझे मुझे बड़ा करके ना अकेला भर दे मेरे वजूद को, मैं अकेला जलूंगा। अर्ज करे रब की बारगाह में, वो पैगंबर वही खड़े थे, वही आई, ऐ मेरे नबी से कह दो तू मेरे बंदों से प्यार करता है तो मैं तुझसे प्यार ना करूं, जा मैंने तुझे माफ भी किया, तेरे लिए जन्नत का फैसला भी किया, और कयामत में जिस जिस की तू सिफारिश करेगा मैं उन सबको भी जन्नत अदा कर दूंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं अगर तू आसानी चाहता है कि अल्लाह जल्दी राजी हो तो किसी का भला करने की कोशिश कर, किसी को नफा देने की कोशिश कर, कोशिश कर कि अल्लाह की मखलूक से कोई प्यार हो जाए, किसी को तसल्ली दे, किसी से मोहब्बत कर, किसी के साथ तू खैर वाला मामला कर, रब करीम तेरे लिए आसानियां करेगा। सालों बीत गए, मैंने कहा हजार साल हो गए उनके विसाल को कम वेश, कितने जी 200-300 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दरबारों पे जाने का मौका मिला कि लोग कहते हैं पता नहीं बुजुर्ग कौन थे, लेकिन यहाँ मजार है इनका। हजार साल बीत गए, हजार साल। वो जब यहाँ बरतानिया हुकूमत करता था ना, अंग्रेज की हुकूमत हिंदुस्तान में, तो लॉर्ड्स ऑफ बरतानिया कहा करता था कि ये अजीब, मैंने दाता साहब की कब्र देखी है तो कब्र पर लोगों के दिलों पे हुकूमत करती है, तो ये कब्र पर इसका सिक्का चलता है। जो लोग नहीं भी ना मानते मज़ारात की हाजिरी, उनको भी कभी ना कभी आना पड़ जाता है। यहाँ की हाजिरी इतनी ज़रूरी है कि उनको भी कभी ना कभी हाजिरी देनी पड़ जाती है। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिदमात की कोई ज़मीन नहीं दाता साहब की, कोई शख्स नहीं बता सकता कि इतने मुरब्बे थे, कोई नहीं बता सकता कि दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े मकान में रहते थे। एक मस्जिद बनाई सारी ज़िंदगी। एक दफ़ा एक साहब मुझे कहने लगे जी वहाँ लोग बड़ा सजदे करते हैं, शिर्क करते हैं, फलां करते हैं, तालिब इल्मी का ज़माना था। मैं उन्हें उसे कहा चल यार चलते हैं, आ जा हाजरी दे, ये पता तो करें। इत्तेफाक़ की बात कि हम जुमे वाले दिन गए, असर की नमाज थी, दाता साहब की मस्जिद में ना पहली सब से लेकर तो बाहर तक गेट तक रश होता है जुमे वाले दिन, देखा कभी आपने। फिर नमाज के बाद जब हम वहाँ बैठे ना तो चारों तरफ फटियाँ लगी हुई हैं, लोग कुरान पाक पढ़ते हैं। अगर कोई एक आदमी हजारों में से गलत काम करे भी तो वो दाता साहब ने तो नहीं ना कहा उसे। मैं कहता हूँ तुम्हें वहाँ जाहिल बंदे तो नजर आते हैं, तो जो वहाँ सारा दिन कुरान पढ़ा जाता है वो नहीं नजर आता, जो वहाँ हदीसे पाक का दर्स होता है वो नहीं दिखाई देता,
वो जहां हजारों मजदूर जो लाहौर के कोई कहीं मजदूरी करता है, रोटी उसे दाता साहब के आस्ताने से मिल जाती और वहां बैठ के लोग अपना गुजारा कर लेते हैं, ये तुम्हें कैफ नहीं नजर आता, ये रंग नहीं तुम्हें दिखाई देता। ओ भाई, वहां हर जुमे हजारों लोग अल्लाह के हुजूर झुकते हैं, कोई एक आध आदमी गलत काम करता तुम्हें दिखाई देता है तो उसको बुनियाद बना लेते हो। हम जिस दिन गए ना उस बंदे को, तो हम बैठे रहे मगरिब तक, पर एक बंदा भी सजदा करने वाला नहीं मिला। मैंने कहा तू कहता था लोग कब्र को सजदा करते, ये तो सारे अल्लाह को कर रहे हैं, ये तो सारे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो दुआ में लगे हुए। दाता साहब के मजार के साथ जो मस्जिद है आज भी उसमें हजारों लोग इतिकाफ करते, जगह नहीं मिलती इतिकाफ बैठने। भाई क्या बात करते, वो तो दुनिया से चले भी गए तो फिर भी लोगों को अपने मजार पर नमाजें ही पढ़वा रहे हैं, कुरान ही पढ़वा रहे हैं, जुमे ही हो रहे हैं। दरस दाता साहब के मजार पर मदरसा कायम है जामे अजमेरिया, दरस निजामी की क्लासें लगती हैं, किताबें छपती हैं, दीन का काम होता है, वहां एक पूरा इंस्टीट्यूट कायम है। मेहरबानी फरमाए, अब तासुब की ऐनक उतार दे, फिरका वारियत का जौक छोड़ दे, सही को सही कहना सीखे, असल को असल कहना सीखे। और अहले हक से भी मेरी गुजारिश है उनकी तालीमात को समझें, मेलों ठोलों से गैर शरी बातों से बचें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हमें उनकी राहों का मुसाफिर बनाए। आखिर दावा यानी